वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी वी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी का एग्जाम 2022 जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को दो दो शिफ्टों में एग्जाम होना सुनिश्चित हुआ है। और दोस्तों, इन सभी चीज़ का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, तो लगभग लगभग सभी साथी ने अपना एडमिट कार्ड जरूर देख लिया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अब हम एग्जाम के जो शेष दिन बचे हैं लगभग 10 से 12 दिन, तो इन 10 से 12 दिनों में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था ये एक दिन में एग्जाम हुआ था और एक दिन में दो शिफ्ट हुए थे और दोनों शिफ्टों में ही सारे बच्चों का पीईटी एग्जाम करवा लिया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पिछले वर्ष का एग्जाम हुआ था तो वही पिछले वर्ष का एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, दोस्तों आपको बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपरों को हम 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, अगर और आपको दोस्तों बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों का, हर एक सीरीज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सीरीज का क्वेश्चन पेपर और सेकंड शिफ्ट के सारे सीरीज का क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पीईटी का यानी पेट एग्जाम का 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे और इसका विथ पीडीएफ भी आपको दोस्तों वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों को हमको सेट से रखना है कि पहले कौन सा शासक शासन किया, उसके बाद कौन सा शासक शासन किया, फिर अगला कौन, ऐसे करके हमको इनको एक क्रम से लगा देना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो था ये फर्स्ट हमारा इल्तुतमिस ने क्या किया था, ये शासन किया इन चारों में से। उसके बाद दोस्तों आपको देखें तो ये हमारा दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया और तीसरे नंबर पे शेरशाह सूरी ने किया और चौथे नंबर पे अकबर ने शासन किया। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि सबसे पहले फोर्थ आएगा, ये फोर्थ हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड आ गया, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा फर्स्ट आ जाएगा और फिर ये सेकंड आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा वन का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कहा गया कि इसमें चार मतलब दिए गए निम्न से कौन से संत, ये चार संतों के नाम दिए गए हैं और उसमें ये बताना है कि जो शिवाजी हमारे थे उनके समकालीन यानी कि उनके समीपतम संत कौन से थे। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया तुकाराम, फिर चैतन्य और नामदेव और फिर शंकराचार्य दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तुकाराम यानी कि टू का ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों, मैं आपको तुकाराम के बारे में बता देता हूँ कि तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि थे। तुकाराम कौन थे दोस्तों, 17वीं सदी के हिंदू कवि थे और ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। ये तुकाराम कहाँ के थे दोस्तों, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संत थे और ये एक हिंदू कवि थे। कौन सी सदी के दोस्तों, 17वीं सदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता हो गया कि दो का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, यहाँ पे इन चार ऑप्शनों में से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो हैं दोस्तों हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हैं। कौन है दोस्तों, तीन का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे तीन का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, और चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि चरक संहिता संबंधित है। अब दोस्तों, हमको ये बात बताना है कि चरक संहिता जो ये एक शब्द लिखा है, ये शब्द हमारा किस विभाग से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है कि चिकित्सा से संबंधित है कि वास्तुकला से संबंधित है या गणित से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चरक संहिता शब्द जो है हमारा चिकित्सा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो चार का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाँचवा नंबर, और पाँचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
अब दोस्तों आपको बता दूं, ये चार विकल्प लिखे हैं, चारों विकल्पों के सामने उनका युद्ध लिखा हुआ है या कब से कब तक लिखा है, तो इनमें से ये बात बताना है, तीन सही हैं और एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये बात हमको बताना है। तो यहाँ पे ये BC 261 में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही दोस्तों बताया गया, ये तो सही है। हमको इसमें क्या बताना, सही नहीं है वो वाला बात बताना है। AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी बात दोस्तों सही है। फिर कहा गया कि AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, इसने सही बताया है। और फिर यहाँ पे AD 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये इसने गलत बता दिया है। तो इसने यही पूछा है कि सही नहीं है, वही वाला आंसर बताओ जो सही नहीं हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ, पांच का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसका सही नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा 5 का डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नेहरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों दादा भाई नेहरोजी, यानी कि 6 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सातवां नंबर, और सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। अब चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट और लोक, बी ऑप्शन में दिया गया है तिलक और लाला लाजपत राय, सी में दिया गया तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा 7 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगी। अब दोस्तों यानी कि अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों होम लीग क्या थे, पहले तो था पहला पुणे होम लीग, पुणे होम रूल लीग था दोस्तों, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ये जो हमारे लोकमान्य तिलक लिखा है इसकी इसकी कौन किया था, पुणे होम लीग, ये क्या था दोस्तों हमारा पुणे होम लीग था। अब जो दूसरा हमारा होम रूल लीग था एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने क्या किया था दोस्तों, मद्रास होम लीग ने किया था, इसका इन्होंने नाम क्या दिया था, मद्रास होम लीग नाम दिया था, मद्रास होम लीग नाम इन्होंने दिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे हमारा आठवां क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि निम्न का मिलान करें। नंबर एक में यहाँ पे दिया गया है ब्रह्म समाज के आगे स्वामी विवेकानंद लिखा है, रामकृष्ण के सामने दयन, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये चार समाज लिखे हैं, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, इनमें से कौन किसके लिए उपयुक्त है वो हमको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो ये ब्रह्म समाज है हमारा, ये ब्रह्म समाज किसके लिए हो जाएगा, ये ब्रह्म समाज को हम मिला देंगे, ब्रह्म समाज किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो था दोस्तों ये मिल जाएगा स्वामी विवेकानंद से, रामकृष्ण मिशन किससे हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद से हो जाएगा। अब आता है आर्य समाज, तो आर्य समाज हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज प्रतिस्थापित किया था। और फिर सत्य शोधक समाज, अब ये दो बच्चे इनमें से कौन हो सकता है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं तो ये हो जाएगा हमारा सत्य शोधक समाज, ज्योति राव फुले इन्होंने दिया था। तो अब अगर देखा जाए तो ये हमने क्या ए को मिलाया तीन से, ए का हो जाएगा दोस्तों तीन से, दोस्तों देख लीजिए ए ए का तीन ये मैच कर रहा है, फिर ये दोस्तों बी को हमने मिलाया एक से, तो बी को ये मिला रहा है यहाँ पे दोस्तों एक से, ए को मिला रहा तीन से, और फिर दोस्तों ये सी को मिला रहा दो से, तो देख लीजिएगा सी को मिला रहा है दोस्तों ये दो से, और डी को मिला रहा पाँच से, डी को मिला रहा है यहाँ पर ये पाँच से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आठ का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आठ का सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं नौवां नंबर, और नौवां नंबर क्वेश्चन में कहा गया करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान भी है, सभी बच्चों को मालूम भी होगा, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। चलिए मैं अब बताता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दोस्तों क्या किया था, करो या मरो का नारा दिया था।
अब दोस्तों यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया था। अगर कभी पूछ लिया जाए कि करो या मरो का नारा कब अस्तित्व में आया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तब उसी समय ये करो या मरो का नारा अस्तित्व में आया था। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 के बाद 10वां नंबर। और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। अब चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी। तो दोस्तों आप लोग इसका सही उत्तर सोचने का प्रयास करें या देने का प्रयास करें। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे पूछा गया जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, यानी कि 10 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये बिजली परियोजना का नाम है दोस्तों सलालपन। तो अब हमको ये बताना है कि ये बिजली परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे चार नदियां दी गई हैं, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये हमारा हो जाएगा चिनाब नदी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बता दूं कि यह जो चिनाब नदी है ये बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलालपन वाली चिनाब नदी पर है। तो यह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी की सहायक मारुदुसपुर नदी पर स्थित है। दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। कौन सी दोस्तों, चिनाब नदी का जो ये नदी किनारे सलालपन बिजली परियोजना है। तो 11 का हमारा यहाँ पे क्या राइट बनेगा दोस्तों, 11 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि बसंत बिसु होता है। अब चार ऑप्शन है, 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो बसंत बिसु होता है दोस्तों कब होता है, 21 मार्च को होता है। अब दोस्तों 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में रात और दिन बराबर होते हैं, उसी को बसंत बिसु कहते हैं। कब, 21 मार्च को। इस दिन क्या होता है, मैंने क्या बताया दोस्तों, सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे विश्व में दिन और रात की टाइमिंग जो होती है बिल्कुल सेम होती है, बराबर होती है। तो यानी कि बसंत बिसु कब होता है दोस्तों, 21 मार्च को, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि राजस्थान में खिदड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में खिदड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 13 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। और यहाँ पे कहा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है। यानी कि 14 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदियां हमारी जो हैं हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों, तो ये बात हमको बताना है। तो एक तो दोस्तों हमारी गंगा हो गई, दूसरी हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई। तो यानी कि 2 और 3 दोनों हैं, तो 2 और 3 यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी पे। तो देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों 15 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी, यानी कि 16 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 16 का डी के साथ राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे 17 नंबर में कहा गया कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, तो साख सर्जन पर बढ़ जाएगा।
तो ये दोस्तों घटा दें तो क्या होगा, साख सर्जन हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 17 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो दोस्तों 18 का यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूंजीवाद, समाजवादी, वैश्विक, मिश्रित। तो यानी कि पूंजीवादी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 18 के बाद दोस्तों अगर हम 19 नंबर देखते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पे 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि 100 रुपए का जो नोट होता है उसमें अपना हस्ताक्षर कौन करता है। RBI गवर्नर करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं या वित्त सचिव करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं 100 रुपए के नोट में RBI का गवर्नर करता है, अपना हस्ताक्षर करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया फेमा, ये हिंदी में लिखा है फेमा और इधर फेमा हमारा अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है, FEMA। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, यहाँ पे फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फिर लिखा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फिर अगला है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशंस, और फिर अगला दिया गया है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो 20 का देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फेमा का राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी कि 20 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट बनेगा दोस्तों हमारा, 20 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला देखेंगे दोस्तों 20 के बाद हम 21 नंबर पे पहुंचते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची में कह रहा शामिल है, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है दोस्तों, राज्य सूची में शामिल है। यानी कि 21 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, 22 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, मूल अधिकार के अंतर्गत रखी गई है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राजनीति के निदेशक तत्व, तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, राजनीति के निदेशक तत्व। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 22 का हमारा बी सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है या अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है दोस्तों कहां से, अनुच्छेद 21 का ए से हमारा संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 23 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, ये बात बतानी है 24 में, निम्न में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, कौन रखे थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। और ये दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर, आपको बता दूं मैं इधर, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने क्या रखा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, कौन, उद्देश्य प्रस्ताव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 29 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, तो अल्पसंख्यकों का हित दोस्तों अनुच्छेद 29 में नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर देखते हैं और 26 नंबर में कहा गया कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं।
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो ठोस चालक जो होता है उसमें धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है साइंस से रिलेटेड है, प्रकाश वाले चैप्टर से। यहाँ पे कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, गलत है दोस्तों ये, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। तो अब दोस्तों यहां पे देखें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, ये भी गलत है। फिर अगला कहा गया कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, और डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 27 का दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, और 28 नंबर हमारा दिया गया, कहा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। अब ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इसका दिया गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो हमारा 28 का यहाँ पे हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि CaOCl2 यानी कि 28 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि 28 का बी राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर कहा गया है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, हमको ये बात बतानी है। तो अब दोस्तों मैं बता दूँ कि सबसे पहले हम जानते हैं 18 कैरेट दोस्तों जो होता है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत दोस्तों कितना होता है, 75% होता है। आप इधर लिख लीजिएगा 18 कैरेट सोने में सोने का परसेंटेज कितना होता है, 75% होता है। 18 के बाद दोस्तों अगर हम 14 कैरेट सोने पे आ जाएं तो 14 कैरेट के लिए कितना हो जाएगा हमारा शुद्ध सोना, यहाँ पे 58.5% हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे आ जाएं 22 कैरेट आ जाएं तो 22 कैरेट में हमारा कितना हो जाएगा, तो 22 कैरेट का हमारा बन जाएगा 91.6%। 22 कैरेट के बाद दोस्तों हमारा 24 कैरेट आता है, तो 24 कैरेट को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 99.9% हमारा क्या आ जाएगी, इसमें शुद्धता आ जाएगी। तो 18 कैरेट का पूछा गया दोस्तों, तो 18 कैरेट का हो जाएगा 75%, तो 75% हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में दोस्तों बहुतायत मतलब कि संतरे में बहुत ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि संतरे में बहुतायत में होता है क्या, विटामिन हमारी सी होती है, क्या होती है दोस्तों, विटामिन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन मिल गया, और दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू क्या आएगी दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट लगा है, अंडर रूट बड़ा सा और बड़ा सा हमने अंडर रूट लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लिखा हमारा 196, तो हमने 196 लिख दिया, और इक्वल करके यहाँ पे 72 अपान का दोस्तों हमारा हो जाएगा 56। तो दोस्तों ये जो हमारा अंडर रूट है, हमने इस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अलग लिख लिया, और इसका जो अंडर रूट 196 है ये होता है हमारा दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 14 का स्क्वायर होता, तो 14 हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हमारा 72 लिखा, 72 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा 56। अब दोस्तों 14 एकन्नम 14 चौको 56, चार से अगर इसको हम कट करेंगे दोस्तों 4 एकन्नम 4 बचे जाएगा दोस्तों हमारा 3 32 हो जाएगा, तो 4 8 32 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आ गया दोस्तों अंडर रूट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18। अब दोनों पक्षों का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर 18 18 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 324 हो जाएगा। तो 324 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, देखा जाए तो 31 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, और 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये 885 मल्टीप्लाई 885 मल्टीप्लाई 885, तो ऐसे ही 115 मल्टीप्लाई 115 तीन बार दिया गया, फिर यहाँ पे ये दो बार दिया गया, दो बार, और यहाँ पे हमारा दिया गया है दो बार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फार्मूला बेस में अगर हम इसको हल करें तो ये फार्मूला हम इसको बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और अपान का दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये हमारा लिखा है हमने यहाँ पे दोस्तों। देख लीजिए हमने क्या माना कि ये
क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 885 लिखा है तो ये इस रूप में हमारा बन जाएगा। तो 885 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 885 लिख करके 3 बार दोस्तों पावर 3 हमने लगा दिया, प्लस लगा दिया, और 115 हमारा 3 बार लिखा है तो हमने इसको 3 पावर लगा दिया। अपान दोस्तों करेंगे 885 2 बार है तो यहाँ पे हमने 885 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, और प्लस दोस्तों 115 का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, और फिर यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 885 मल्टीप्लाई दोस्तों 115 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में इसको विस्तार करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा दोस्तों ये 885, यानी कि ए प्लस बी एक ब्रिकेट में, तो हमने ये ए प्लस बी एक ब्रिकेट में रख दिया, दूसरे ब्रिकेट में रख दिया ए स्क्वायर, तो यानी कि 885 का स्क्वायर कर दिया हमने, बड़ा ब्रिकेट बना देते हैं इस जगह पे, ये 885 का स्क्वायर प्लस दोस्तों बी स्क्वायर यानी कि 115 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का ए बी, तो ए हमारा 885 है मल्टीप्लाई 115 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट दोस्तों बंद। अब अपान का दोस्तों हमारा जो दिया गया है ये पूरा, तो ये हम पूरा सेम रख लेंगे, 885 का स्क्वायर प्लस का दोस्तों 115 यानी कि 115 का स्क्वायर माइनस का 885 इंटू 115। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये इतना पूरा हमारा, ये और ये ऊपर से कट जाएगा, टोटली बचेगा हमारा दोस्तों 885 प्लस का 115, इनको ऐड कर देंगे, 5 5 10 की जीरो हो जाएगा, 8 1 9 1 10 की जीरो हो जाएगा, 8 1 9 1 10 10 की पूरी 10 रख देंगे, फाइनली हमारा 1000 आ जाएगा। तो 1000 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 के बाद दोस्तों हमारा 33 नंबर, और 33 नंबर यहाँ पे दिया गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 फिर बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इसके बराबर है, किसके बराबर है, अब यहाँ पे दोस्तों ये इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन वही है, इसको अंग्रेजी रूपांतरण लिख दिया गया है और वो हमारा हिंदी रूपांतरण है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों देख लीजिए कैसे करते हैं, अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 और अपान का हमारा दिया गया अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3, और अब दोस्तों क्या करेंगे इसका परिमेयकरण किया जाएगा, परिमेयकरण करने का मतलब अंडर रूट 5 प्लस का प्लस, अब दोस्तों है यहाँ पे परिमेयकरण का मतलब ये होता है दोस्तों अगर आप यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस से नीचे होगा तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है दोस्तों तो हम माइनस का 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है परिमेयकरण करना, नीचे भी दोस्तों सेम यही काम करेंगे। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ए है ये माइनस बी है, एक ब्रिकेट में ए माइनस बी फिर दूसरे ब्रिकेट में भी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है दोस्तों। अपान का इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रिकेट में ए प्लस बी एक ब्रिकेट में ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर उस ऊपर वाले को हम सूत्र में विस्तार करें तो होता है ए स्क्वायर तो यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर हम रख देंगे, फिर होता है प्लस का बी स्क्वायर तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 ए हो गया हमारा अंडर रूट 5 बी हो गया अंडर रूट 3। अपान का दोस्तों अंडर रूट 5 केवल 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस लगा के केवल 3 आ जाएगा। अभी यहाँ ऐसे इसको भी हल करेंगे तो अंडर रूट 5 केवल 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3 केवल 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 3 बचे 15 हो जाएगा। अपान का दोस्तों हमारा 5 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, 5 3 ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा बटे दोस्तों हमारा 2, तो ऊपर अंश से दोस्तों इधर देख लीजिए हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस का अंडर रूट 15 बचा और बटे का हमारा 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 के बाद 34 नंबर देखा जाए तो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि घटेगा कि बढ़ेगा ये बात हमको बतानी है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहा गया टीवी सेट के मूल्य पे 30% घटाने पर एक बार कहा है, फिर कहा है कि उसकी बिक्री में 20% बढ़ाने पर, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे दोस्तों प्लस माइनस ए
प्लस माइनस बी, और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा हम जानते हैं प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस माइनस बी अपान का दोस्तों ये होता है 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कहा है 30% घटाने पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, माइनस का 30 लिखेंगे। फिर कह रहा 20% बढ़ाने पर तो हम प्लस का 20 लिखेंगे। फिर कह रहा 30% घटाने का तो प्लस का 30 लिखा जाएगा, 20% घटाने पर तो माइनस का 20 लिखा जाएगा। अपान का कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 से अगर हम 20 क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर हमारा माइनस का 10 आ जाएगा। अब दोस्तों अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से हमने 20 घटा दिया माइनस 10 आ गया, और 2 × 3 = 6 माइनस का हमारा इधर 6 आ जाएगा, बट एक नहीं लिखेंगे। 10 6 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। फाइनली हमारा जो आ जाएगा माइनस का 16। जब माइनस से आता है दोस्तों तो ये क्या होता है घटी मतलब घटना होता है, और जब प्लस अगर आता तो बढ़ना होता। तो माइनस का 16 यानी कि 16% घटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है ये बात हमको बतानी है। देखते हैं क्वेश्चन में, यहां पे कहा गया 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, तो यहां पे हम जब निकालेंगे तो 4 खिलाड़ियों का योग निकलेगा दोस्तों, 4 खिलाड़ियों का योग हम लिख देते हैं। तो 4 खिलाड़ियों का योग हम लिखेंगे जो दोस्तों, तो क्या होगा ये 4 का हम 18.5 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 × 4 = 72, अब 72 × 2 = 74। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 74 आ जाएगा। ठीक है, 4 खिलाड़ियों का योग तो हमने निकाल लिया 74। अब कहा गया कि अगर कोच की भी उम्र इसमें शामिल की जाए, किसकी उम्र शामिल की जाए दोस्तों, कोच की भी उम्र शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 20% बढ़ जाता है कहे कह रहा, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100, तो ये जीरो से जीरो कट कर दिया, फाइनली आ जाएगा 1.2, यानी कि 20% बढ़ जाने का मतलब 1.2 बढ़ जाएगा। अब जो ये 1.2 बढ़ जाएगा, अब इस 1.2 को हम क्या करेंगे 5 खिलाड़ियों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, अब जब अब कोच को लेकर के 5 खिलाड़ी हो गए ना, अब 5 खिलाड़ियों का हम कर देंगे, 5 खिलाड़ियों का योग करेंगे, तो ये हमारा 1.2 में हम जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 6.0 बन जाएगा। तो इतना आ गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये जो हमारा 6 आया तो औसतन लगभग हमारे जो 5 खिलाड़ी थे वो 5 खिलाड़ी नहीं बल्कि 6 खिलाड़ी बन गए, कितने बन गए दोस्तों हमारे 6 खिलाड़ी बन गए। अब इस 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 18 पॉइंट, अब ये 6 का 6 व्यक्तियों का योग निकालेंगे, तो अब दोस्तों क्या करेंगे ये 4 व्यक्तियों का औसत ये था, अब 6 व्यक्तियों को निकालना, तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 111.0 आ जाएगा, यानी कि 1110 आएगा, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो केवल 111 बचेगा। हमको कोच की उम्र निकालनी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे कोच की उम्र, ये तो बताया पूछा गया कोच की उम्र हमारी दोस्तों जो क्या आ जाएगी, कोच की उम्र निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 111 से हम क्या घटाएंगे यहाँ पे घटाएंगे 74 घटा देंगे, कितना घटाएंगे दोस्तों, पहले 4 व्यक्तियों का ये था हमारा 74, अब बाद में इतना कोच सहित को लेकर के 111 हो गया, घटाएंगे दोस्तों 11 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इधर बचा 10 से 7 घटाएंगे 3, तो 37 वर्ष आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों 37 वर्ष हमारे कोच की उम्र आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 35 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 बाद 36 नंबर, और 36 नंबर में कहा गया कि एकल का विलोम शब्द चुनिए। अब यहाँ पे दोस्तों हिंदी पूछा गया है, एकल का विलोम शब्द पूछा गया है, तो एकल का विलोम शब्द यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो एकल मतलब एक, अब बहुल का मतलब बहुत सारे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 36 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला 37 नंबर इसी जगह पे दिया गया, कहा गया दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा, दर्प मतलब दोस्तों हमको पर्यायवाची बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तिरस्कार, अहंकार, व्यथा और स्वाभिमान। तो 37 का दोस्तों देखें तो दर्प का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा अहंकार, यानी कि 37 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38 और 39 नंबर क्वेश्चनों में कहा गया कि मन को हरने वाला
वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, मन मर्मांतक या मनोहर या मदमस्त या मदमई। मन को हरने वाला मनोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 38 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर दिया गया है 39, कहा गया कि गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। यानी कि गागर में सागर भरना, यानी कि बहुत थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर 39 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि गागर में सागर भरने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि बहुत थोड़ा बोलना और थोड़े में ही बहुत कुछ कह डालना, ये होता है गागर में सागर भरना, मुहावरा है। 39 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें लिखा गया महत्वाकांक्षा, और फिर लिखा महत्वाकांक्षा, और फिर यहाँ पर लिखा महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ये चारों अलग अलग वर्तनी से लिखे हुए हैं, और इनमें से जो शुद्ध हो महत्वाकांक्षा वो हमको बात बतानी है दोस्तों। हमारा कहीं देखा जाए तो ये सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। महत्वाकांक्षा यानी कि 40 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 41 नंबर, और 41 से दोस्तों 43 नंबर तक अब हमारे यहाँ पे इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है, और इससे रिलेटेड हमको दोस्तों तीन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, 41, 42 और 43। दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यानी कि पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, और इसी को रीड करके इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। यहाँ पे कहा भी गया है क्वेश्चन में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। यहाँ पे लिखा गया नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स आर रेजिस्टिंग टिरेनी इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमेनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। फिर कहा गया व्हाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम ए साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नरिश द टोटल मैन एज ए साइंटिस्ट ही रिफ्यूज्ड टू बिलीव इन ए benevolent power interested in man's affairs but as a self-proclaimed non-believer be loved affirming him faith in life and the beauty of nature children he aborted unlike Wordsworth he did not see then trailing cloud of glory from their recent sojourn in heaven he saw them as blossoms of promise and renewal the only hope for mankind। दोस्तों ये एक पैसेज है, इसको आप पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और जैसे इसी से हमसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया कि ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसने क्या पूछा है कि ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, यानी कि यहां पे हमको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी हम लोगों ने ऐसे एक वर्ड पढ़ा था, तो यहाँ पे मेनी, अब दोस्तों आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही बताना है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 41 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन कहा गया है पंडित नेहरू इंजॉयड, यानी कि पंडित नेहरू इंजॉय करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसने यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स में, फाइटिंग पॉलिटिकल्स एंड सोशल इविल्स में, रजिस्टिंग ट्रेनिंग में, ये डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यहाँ पे कहीं भी बताया गया है, ये हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसने सब कुछ यानी कि बताएगा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यानी कि इतने जो सब बताए गए ये भी और इससे और भी, उन सभी में उनका क्या है, इंजॉय है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 42 का डी के साथ क्वेश्चन क्या राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 42 बार 43 नंबर, और 43 नंबर में भी वही पैसेज दिया गया है, और 43 नंबर का क्वेश्चन बताना है, और बाकी 44 45 हमको अदर टाइप से बताने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहाँ पे हमारा 43 का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा,
यहाँ पे साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट्स, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इसके साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि ये एक सिनोनिम्स दिया गया है हमको, फेमस का सिनोनिम्स बताना है। फेमस यानी कि दोस्तों क्या होता है, प्रसिद्ध। तो अब इसका हम क्या, प्रसिद्ध का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, यानी कि हमारा हो जाएगा दोस्तों पॉपुलर, यानी कि पॉपुलर माने भी दोस्तों फेमस हो, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होना और फेमस माने भी प्रसिद्ध होना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा फेमस है इसके लिए हो जाएगा पॉपुलर, यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कह रहा गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, यानी कि हमको एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का हमको विलोम बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ट्रांसपेरेंट का विलोम हो जाएगा ओपाक्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 45 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अब अगला दिया गया है यहाँ से, बस 5 नंबर का हमारा इंग्लिश पूछी गई थी यानी कि अंग्रेजी, और 5 नंबर एक पैसे जाएगा और एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं। तो 46 नंबर में दोस्तों दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी को पक्षी बताया गया है, नृविज्ञानी, तो नृविज्ञानी दोस्तों यहाँ पे नृविज्ञानी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से दोस्तों ये पक्षी विज्ञानी को पक्षी कह दिया गया, नृविज्ञानी का मानव कह दिया जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 46 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 46 के बाद अगर 47 नंबर देखा जाए, तो 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, पनीर, तेल, दोस्तों दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, कहीं ना कहीं ये एक ही दूध, दूध से बनते हैं तीनों चीज़ें, लेकिन तेल हमारा दूध से नहीं बनता, इसलिए दोस्तों हमारे डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 47 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 47 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आगे देखेंगे 48 नंबर, और यहाँ पर हमारे दोस्तों ये रीजनिंग चल रहा था, और यहाँ पर कहा गया है कि किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को ये लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, अब हमको ये बात बतानी है। दोस्तों देख लीजिएगा, प्रोडक्शन पी, पी के जस्ट आगे क्या किया गया, इसमें प्लस का एक कर दिया गया तो हमको क्यू मिल गया, और आर, आर का कोड 18 होता है, क्यू का कोड 17 होता है, तो कहीं ना कहीं अगले वाले से एक घटा दिया है। अब ओ के आगे देख लीजिए दोस्तों पी, यानी कि फिर एक जोड़ दिया गया है, डी में एक कम कर दिया गया है तो सी मिल गया, यू में एक बढ़ा दिया गया तो वी मिल गया, फिर इसमें सी में एक कम कर दिया गया तो सी के आगे हमारा क्या आ जाएगा, यू, यू का हो जाएगा वी, और सी में अब दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा सी, तो यहां पे सी में इस बार क्या किया है, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, तो यहां पे एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, चार, और फिर यहाँ पे यू में वी, एक यू वी यानी कि एक जोड़ दिया गया। अब सी में दोस्तों क्या किया है, इस जगह पे सी को, सी का कोड 3 होता है, 3 में इसने 2 जोड़ दिया है, तभी हमको क्या मिल गया है, 5 मिल गया है, ठीक है। फिर अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया, टी, एस टी यू, अब टी में दोस्तों फिर एक जोड़ा गया, तभी तो टी के आगे हमको यू मिला। फिर आई, आई का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आई का देखा जाए तो यहाँ पे होता है हमारा 9, 9 में क्या किया है इसने, टी के आगे यू कर दिया, 9, 9 में एक कम कर दिया गया, यहाँ पे आई, आई में एक कम किया गया तो हमको एच मिल गया, और फिर ओ का 15, 15 में एक जोड़ दिया गया तो हमको 16 मिल गया, और एन, एन में एक कम कर दिया गया तो हमको एम मिल गया, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो अब एस, एस का 19, 19 में अब दोस्तों क्या किया गया है, एस के आगे टी यानी कि एक जोड़ दिया गया है। तो ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 एक में आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पद इधर, 1, 2, 3, 4, 5 पद इधर, यानी कि बीचों बीच वाले पद में 2 जोड़ा जाएगा। तो अब जैसे उसने किया है सेम उसी प्रकार हम ओरिएंट को कर दे रहे हैं, तो ओ में पहले हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो हमको ओ के आगे पी मिल जाएगा, आर में एक कम करेंगे तो आर में जब एक कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको आई में क्या करना है, आई में हमको इस बार पहले एक बार जोड़ा गया, फिर घटाया गया, फिर जोड़ा जाएगा, आई का होता है 9, 9 में हम यहाँ पे कर देंगे जे कर देंगे, फिर ई, ई का दोस्तों हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो यहाँ पे हम रख देंगे डी,
अब दोस्तों चार हो गए, अभी एक हमको और बढ़ना है। इन इन में हमको इस बार क्या करना है, इनमें हमको एक जोड़ना है। यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया, इन के आगे दोस्तों एन एम एम एन ओ, यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों टी में दो जोड़ना है, इस जगह पे हमको दो जोड़ना है, तो हमने यहाँ पे दो जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा वी हो जाएगा। और फिर आगे दोस्तों देखते हैं ए का, अब आगे ए में क्या किया गया, प्लस एक जोड़ा जाएगा तो ए के आगे बी हो जाएगा। फिर टी में एक कम किया जाएगा तो यहाँ पे एस आ जाएगा। फिर आई में एक जोड़ा जाएगा तो आई के आगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा जे आ जाएगा। ओ में एक कम किया जाएगा तो ओ में हम एक कम करेंगे तो एन आ जाएगा। और फिर एन में एक जोड़ेंगे तो हमारा पी आ जाएगा, एन में एक जुड़ेंगे तो एन ओ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसा हमारा ऑप्शन मिला पी क्यू जे डी, पी क्यू जे डी ओ ओ, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 48 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 49 नंबर। और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। देख लीजिएगा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है, तो मान लीजिएगा यहाँ पे ये हो गए हमारे निखिल भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया निखिल। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और अच्छा लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा निखिल, तो निखिल जो हैं रीता की ओर इशारा करके कहते हैं, यानी कि निखिल जो हैं ये रीता की ओर इशारा करके कहते हैं, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र, यानी कि रीता के माँ, तो रीता की माँ यहाँ पे ये मान लो रीता की माँ हो गई। मैं उनकी माँ के पुत्र, यानी कि माँ का, इनकी माँ का पुत्र यहाँ हुआ होगा, इनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि इनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी पुत्र हूँ। तो कहा गया है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, निखिल से रीता किस प्रकार संबंधित है। तो निखिल के ये पिताजी हुए, अब ये पिताजी की बहन हुई, जब पिताजी की ये भी माँ है और ये इनकी भी माँ है, तो ये कौन हुई, पिताजी की बहन हुई। तो जो पिताजी की बहन होती हैं दोस्तों वो कौन होती हैं, बुआ होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, बुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 49 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, ये बात हमको बतानी है। दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिए क्या बताया गया है, कहा गया है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन बता दिया गया, कहा गया कि गुरुवार है, तो कह रहा उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम दोस्तों 25 से पीछे आए तो 24 हमारा हो जाएगा बुधवार, और फिर 24 हमारा बुधवार हो जाएगा, 23 हमारा हो जाएगा मंगलवार, और 22 हो जाएगा हमारा सोमवार। तो यानी कि पहला सोमवार हमको जो मिलेगा 22 अगस्त को मिलेगा, पहला सोमवार मान लेते हैं, पहला ये सोमवार हमको मिल गया, पहला सोमवार हमको कब मिला, 22 अगस्त को मिल गया। अब अगर इसी 22 में हम 7 जोड़ दें तो 22 7 29 हो जाएगा, तो 29 अगस्त को हमको एक सोमवार और मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान समझना, हमको सोमवार की संख्या बतानी है, तो 22 में अगर 7 दिनों का एक हफ्ता होता तो 22 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 29 आ जाएगा, 29 अगस्त को हमारा फिर सोमवार मिल जाएगा। अब अगर हम दोस्तों आए 22 से 7 दिन पीछे करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को भी हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा सोमवार एक और मिल जाएगा। अब 15 में भी अगर दोस्तों हम क्या करें, 5 और कम कर दें, 5 नहीं दोस्तों 7 कम किया जाएगा तो हमको 8 मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमको 8 अगस्त, तो 8 अगस्त को हमको एक सोमवार और मिल जाएगा। अब 8 अगस्त के शिक्षा एक हफ्ता और एक कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अगस्त आ जाएगा, तो 1 अगस्त को भी हमको एक सोमवार और मिल जाएगा।
तो अब दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये सोमवार की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 पांच, पांच सोमवार मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 50 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आशा करता हूं अब तक जो दोस्तों आप लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चन पढ़े हैं उन सारे क्वेश्चनों में भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूँ कि ये हमारा UP SSC पेट के जो 2021 में क्वेश्चन पेपर हुए थे उन्हीं ऑफिशियली पेपरों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये पेपर का आप पैटर्न भी समझ लीजिएगा और इस टाइप के सारे क्वेश्चन भी आते हैं। अब हो सकता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये पुराने पेपर से आपको 2-4 क्वेश्चन शायद मिल जाएं, तो और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपको इन सारे क्वेश्चनों का पेपर PDF भी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन से लिंक से पेपर आप डाउनलोड ना कर पा रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में इन सारे क्वेश्चनों का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे या पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे, या अपना कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 50 के बाद दोस्तों हम लोग 51 नंबर देखते हैं, और 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। कहा गया है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इस बात को हमको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। तो पटना ऐसा सिटी है दोस्तों जहाँ पे अभी लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो 51 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है। दोस्तों 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी पूछा गया है, तो वो है दोस्तों हमारी रिलायंस जियो है, यानी कि 52 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, और 53 नंबर कहा गया कि बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। बोल्ड का फुल फॉर्म होता है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। तो दोस्तों ये बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू की गई, चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बम्बू परियोजना या बोल्ड परियोजना दोस्तों हमारा ये राजस्थान राज्य से शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 53 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर देखेंगे, और 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत COVID-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, चार ऑप्शन घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका और सूडान। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो हमारा कौन सा देश है, घाना देश है, जो कि कोवैक्स योजना के अंतर्गत COVID-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था, दोस्तों घाना हमारा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमरीकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, सिरिसा बांदला, श्रेया बांदला और ऋतु कारीधाल, कल्पना चावला। अब दोस्तों यहां से मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमरीकी महिला कौन है, सिरिसा बांदला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहां पे 55 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों वो पहलवान का नाम बताना है, वो भी भारतीय पहलवान है जिसमें डोपिंग का क्या लगाया था, बैन लग गया था 2 साल के लिए। तो वो हैं कौन, योगेश्वर दत्त हैं, सुमित मलिक हैं, रविंदर सिंह हैं, पवन कुमार हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बता दूं दोस्तों मैं 56 का हमारा सुमित मलिक, यानी 56 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन में कहा था भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। अब दोस्तों 57 का यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन में क्या कहा गया था, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है, कौन सा भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी, तो वो है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS यानी कि UDAS शुरू किया गया था, UDAS प्लस शुरू किया गया था दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये शिक्षा मंत्रालय में UDAS प्लस प्रणाली शुरू की गई थी 2019-20 में। 58 के बाद अब अगर हम देखें 59 नंबर, तो 59 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। तो दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर बन जाएगा विराट कोहली। स्मार्टफोन वीवो कंपनी ने जो दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया था, विराट कोहली को नियुक्त किया है, जो कि अभी वर्तमान में भी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का पूरा नाम क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल यानी कि सुपेस इसको पढ़ा जाएगा, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आर्टिफिशियल एजेंसी आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया था, तो ये दोस्तों है हमारा सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 60 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 5, 4, 3, 2। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से टच होते हैं। कितने भारतीय राज्य यानी कि भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, तो कितने हैं, 5 हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 61 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, अब यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन है, बीजिंग, सान जोस, ढाका, दिल्ली। तो 62 का दोस्तों आपको बता दूं कि सान जोस हमारा कोस्टा रिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 63 नंबर, और यहाँ पे कहा गया केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंगला। दोस्तों मलयालम हमारी तमिलनाडु की क्या है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, मलयालम, यानी कि 63 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, दोस्तों 552 होती है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, 552 हो सकती है, यानी कि 64 का देखा जाए तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अभी दोस्तों पिछले मंथ ये हिंदी दिवस मनाया गया है, आप लोगों को सबको पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस दोस्तों हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, पिछले मंथ भी 14 सितंबर गुजर चुकी है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दिवस भी एक पूछा जाता है, तो इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आना है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 66, इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ पे सार्क का देश पूछा गया, तो सार्क का देश कौन सा नहीं है, म्यांमार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 66 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, और 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, बेंगलुरु में, दिल्ली में, लखनऊ में, औरंगाबाद में। दोस्तों तो आप लोगों को सबको पता होगा कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ना तो दिल्ली में स्थित है, ना तो लखनऊ में है, ना ही बेंगलुरु में, तो कहाँ होंगी दोस्तों, औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। 67 के बाद दोस्तों देखा जाए 68 नंबर, तो यहाँ पे हमारा कहा गया कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो सबको पता है दोस्तों ओणम हमारा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक महोत्सव या उत्सव है, केरल का है दोस्तों, यानी कि 68 का देखा जाए तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 68 के बाद हमारा यहाँ पे 69 नंबर,
अब यहाँ पे दिया गया 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सबको पता है दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। और यहाँ पे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अब दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। वो हैं सीवी रमन हैं कि राजीव गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मदर टेरेसा हैं। कौन है दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 के बाद 71 नंबर। और 71 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दूं कि 71 से 75 ये क्वेश्चन जो हमको दिए गए हैं, ये हमारा एक हिंदी में गद्यांश दिया गया है दोस्तों। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमको 5 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 तक के उत्तर चुनिए। कहा गया है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहते रहे थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृत्ति होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव है। दोस्तों ये तो हमारा पैसेज था। अब अगर आप इस पैसेज को ध्यान से और मन से पढ़े होंगे या सुने होंगे तो इन क्वेश्चनों के आसानी से आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। तो यह देखा जाए यहाँ पे 71 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। दोस्तों पैसेज वही है, उसी पैसेज के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या कहा गया, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 72 का जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम की स्थापना हमारा क्या है, विश्व शांति की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है, अहिंसा और प्रेम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमको 75 नंबर तक क्वेश्चन हमको उसी पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। कहा गया कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अहिंसा द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। कहा गया किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। 74 में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कहा गया किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र को अगर स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हो जाएंगे, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। यानी कि देखा जाए तो 74 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसी पैसेज के अकॉर्डिंग ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 75 नंबर। कहा गया कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, नितांत शब्द का कह रहा है कि शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल, यानी कि 75 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 के बाद 76। अब दोस्तों देख लीजिए 76 में भी बहुत बड़ा सा हमारा एक पैसेज दिया गया है और 76 से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चनों को भी हमको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। दोस्तों आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा आराम से, इसको रोक करके पुश करके वीडियो को, और फिर आप क्या करेंगे इन
आने वाले क्वेश्चनों के आंसर देते चले जाएंगे। देखिए पैसेज बहुत बड़ा था दोस्तों, यहाँ भी अभी थोड़ा सा पैसेज लिखा है। यहाँ पे दोस्तों पांच ही क्वेश्चन एक ही में रख दिए गए हैं। देख लीजिए, सबसे पहले कहा गया कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या होते हैं, विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो 76 का देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 76 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 के बाद दोस्तों हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली संतुलित अनुचिंतन से, पुराने शिष्ट और औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारणा से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 77 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप पैसेज को मन से एक बार पढ़ लेंगे तो उसी को पढ़ने के अकॉर्डिंग आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियां, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो यहाँ पे 78 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 78 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 79 नंबर, यानी कि 79 नंबर कहा गया है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम, यानी कि 79 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का, और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर बन जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 80 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये पेट के एग्जाम में क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे एक ग्राफ दिया जाएगा, उसी ग्राफ को सॉल्व करके उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ये हमारे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपको स्पेशली डाटा इंटरप्रिटेशन में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको ये बचे हुए 10 से 12-15 दिनों के अंदर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन के पर डे 5-5 क्वेश्चन करवा दिया करूंगा। और दोस्तों आपको लेकिन कमेंट करके जरूर बताना होगा कि अगर आप ये वीडियो चाहते हो डाटा इंटरप्रिटेशन का, यानी कि ये पाई चार्ट ग्राफ आरेखों का, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो ही मैं आपको ये इनका वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 81 से 85 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। यहाँ पे कहा गया इन प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दें। कहा गया है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 7 छात्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये स्टूडेंटों की संख्या बताई गई, ये इनका अनुपात इधर बताया गया और एक पाई ग्राफ दिया गया है। कहा गया है 81 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए। और यहाँ पे कहा गया ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के, पहले क्या कहा गया इतिहास, बाद में क्या कहा गया है भूगोल, तो पहला नंबर में क्या है इतिहास, दूसरे नंबर पे हमारा भूगोल रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न में पूछता है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, भूगोल से ज्यादा इतिहास में अंक अर्जित किए। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखेंगे पॉइंट में, तो यहाँ पे अगर इसको आप 1.25/100 कर देंगे इसको,
तो नीचे वाला जो आ जाएगा वो आपका क्या रहेगा, इतिहास भूगोल का रहेगा मार्क्स, और ऊपर वाला इतिहास का रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा हमारा 125/100। तो 125 देख लीजिए, मैं करके दिखा रहा हूँ, 125/100 ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 पॉइंट हटाने पे। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का हो गया, यानी कि भूगोल। तो अब ये हो, अब दोस्तों देख लीजिएगा, 125 नंबर ज्यादा है कि हमारे 100 नंबर ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के इसमें ज्यादा हो गया। इसमें एक ये क्या बन जाएगा, ये 14/10 हमारा 10 बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हिस्ट्री के ज्यादा है, यहाँ पे हिस्ट्री ज्यादा है, यहाँ भी हिस्ट्री ज्यादा है, और यहाँ भी हिस्ट्री हमारी ज्यादा हो जाएगी, और इन बाकी में हिस्ट्री नहीं रहेगी, केवल भूगोल के अंक ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा हमने कितना देखा, इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए कितने लोगों ने, 3 लोगों ने अर्जित किए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 81 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 के बाद 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। कहा गया कि भूगोल की अपेक्षा किन छात्रों को, तो दोस्तों देख लीजिए आपका क्या बताया गया, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हों। तो इतिहास में कम अंक मिले हों दोस्तों देख लीजिएगा, इतिहास में दोस्तों यहाँ पे ये कक्षा, ये पहला नंबर वाला छात्र है तो एक वाला छात्र हो गया, इसको भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिलेंगे। फिर ये हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा, ये देख लीजिए 2 पे चला जाएगा, ये हमारा 1 पे आ जाएगा, तो 2 नंबर वाला भी हो गया। फिर दोस्तों इसको भी कम नंबर मिले, ये 3 नंबर वाला भी आ जाएगा। फिर दोस्तों देखें तो ये 9 नंबर वाला भी हमारा 0.95 है, तो ये 6 नंबर पे, तो 6 भी आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 6, यानी कि ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 6 बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है 82 के बाद 83, यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कहा गया कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। 3 से 4 दोस्तों, 3 का तो हमारा ये हो गया और 4 का हमारा ये वाला हो जाएगा। इसमें हमको अंक में प्रतिशत बढ़त बताना है, तो दोस्तों ये हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंकड़ा हमारा अपर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 83 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, पहले कहा इतिहास का अधिकतम, तो इतिहास का अधिकतम देख लेते हैं दोस्तों, ये 1.55 हो जाएगा, 1.55 हो गया। अगर इसी में इतिहास का ही 1.55 है, भूगोल का निकालेंगे तो पॉइंट हटा करके नीचे क्या बन जाएगा, 100, तो भूगोल का 100 आ जाएगा, इतिहास का है 155 आ जाएगा। फिर इसने कहा है कि भूगोल के न्यूनतम, इतिहास का अधिकतम, भूगोल का न्यूनतम, तो अब भूगोल का आ जाइए न्यूनतम, दोस्तों भूगोल का ये हो जाएगा हमारा, भूगोल का न्यूनतम क्या बन जाएगा, सबसे न्यूनतम हमारा 0.35 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.35। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, 0.35 इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये 0.1.20। तो 1.20 ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 का डी यहाँ पे राइट हुआ, और अगला 85 नंबर देखते हैं, और 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। अब देखिए दोस्तों, छात्र 4 को, ये कक्षा, ये छात्र 4 ये है, छात्र 4 का हमारा पॉइंट कितना है, ये 1.25 है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 1.25 है। इसने कहा भूगोल में 60 अंक मिले, तो दोस्तों क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना हो गया, 60 हो, 100 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का, ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का, यानी कि ये ऊपर हो गया इतिहास का और ये हो गया हमारा भूगोल का। इसने कहा भूगोल में 60 अंक मिलते हैं, इसको यहाँ भूगोल में कितने अंक मिलते हैं, 100 अंक, तो 100 बराबर हमारा हो जाएगा 60, तो 1 बराबर आ जाएगा 60/100, तो ये 0 काट दिया, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो 1 बराबर फाइनली आ गया हमारा 3/5 आ गया। क्या आ गया दोस्तों हमारा, 1/3/5। तो हमको निकालना किसमें है, इतिहास की संख्या ज्ञात करनी है, तो इतिहास की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना है, 1/3/5, तो इतिहास कितने हैं हमारे, 125 हैं, तो 125 का इधर भी मल्टीप्लाई और 125 का इधर भी मल्टीप्लाई, तो 125 बराबर ये आ जाएगा 5 × 10 = 50, 25 × 3 = 75 आ जाएगा। तो कितने हैं इतिहास में उसके अंक, 75 अंक, यानी कि देखा जाए तो 85 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे,
अब यहाँ पे दोस्तों 86 से 90 तक क्वेश्चन पूछा गया है और 86 से 90 तक के क्वेश्चनों को हमको यहाँ पे जवाब देना है। तो 86 नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। दोस्तों देख लीजिएगा, इस वर्ष से यहाँ से यहाँ तक आने में तो घट गया है, 51 से 53 गया है तो कितना आया है, ये 51 से 53 यानी कि 2 बढ़ा है, और 53 से 65 पहुँचा है दोस्तों, कितना बढ़ा है, 7.5 बढ़ा है, 65 से 76 पहुँचा है तो 6.5 बढ़ा है, और ये तो फिर ढनंग के नीचे आ गया, कोई बात नहीं, 58 से 68 पहुंचा है तो यहाँ पे 10 बढ़ा है, 68 से 73 पहुंचा है तो यहाँ पे 5 बढ़ा है। तो इसने क्या पूछा है, उच्चतम वृद्धि का वर्ष, सबसे ज़्यादा बढ़ा कौन है दोस्तों, ये 2015-16 बढ़ा है, 2015-16 53 था, सीधा 65 पे आके 12 बढ़ा, और समय 11-10-5-2, तो सबसे बढ़ोतरी दर कौन से ईयर में है, 2015-16 में, लेकिन 15-16 में से बढ़कर के हम कहाँ पे आ रहे हैं, 16-17 में आ रहे हैं, तो ये 16-17 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये बनेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 87 नंबर दिया गया है, कहा गया है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है, ये बात बताना है। तो पहले 4 वर्षों का उत्पादन हम निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले 4 वर्ष का उत्पादन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों पहले 4 वर्ष का उत्पादन। अब दोस्तों जो पहले 4 वर्ष का हमने उत्पादन लिखा, तो पहले 4 वर्ष का उत्पादन देख लीजिए, 56, 51, 53 और ये 65, ये पहले 4 वर्ष का है, तो इनका अगर हम योग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 225 आ जाएगा। जोड़ के आप देख सकते हैं, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 15 की 5 यहां से लग गया दोस्तों 2, 9, 6, 15 की 5 यहां से लग गया 1, 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, फिर पूरी 22 हो गया। फिर कह रहा कि अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन, तो अब यहां पे हम लिख देंगे अंतिम 4 वर्ष का उत्पादन अगर हम निकालें दोस्तों, अंतिम 4 हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब अगर इनका हम योग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 275 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कहा गया है कि कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया हमको ये बताना है। तो यहाँ से अगर हम निकालें प्रतिशत वृद्धि, तो क्या निकालने जा रहे हैं दोस्तों हम, प्रतिशत वृद्धि निकालें अगर हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 275 माइनस 225, 275 माइनस 225 बटे हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 225 इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो 25 9 या 225, 25 चौको 100। अब दोस्तों 275 से जब 225 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 बटे दोस्तों हमारा 9। अब दोस्तों यहाँ पे 5 चौक 20, तो कुल मिला के ये कितना बन जाएगा हमारा, 200 बटे, कितना बन जाएगा हमारा, 200 बटे 9, भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 22.2% हमारा ये इसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी देखा जाए तो 87 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो 8 वर्षों का अभी हमने औसत निकाला, पहले 204 का निकाला था और लास्ट के 4 निकाले थे, तो योग अभी हमने देखा है दोस्तों, पहले उत्पादन 225 275 था, पहले 4 का 225 था और अंतिम 4 का था 275, तो 225 प्लस का 275 ये इतना हम ऐड करके टोटल 8 हैं, तो 8 का हम भाग दे दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 वर्षों का एवरेज मतलब कि औसत उत्पादन निकल के आ जाएगा, तो ये एवरेज हमने लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे 225 और 3, 2, 5, ये फाइनली बन जाएगा हमारा 500 बटे 8, तो 8 का भाग दोस्तों जब हम 500 में देंगे तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा 62.5 आ जाएगा। यानी कि अब दोस्तों ये मीट्रिक टन में दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों एम और टी लगा लिया गया है।
तो 62.5 यानी कि मीट्रिक टन, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 88 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, और 89 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हो जाएगा, कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष थी। तो अधिकतम प्रतिशत घटत हमको देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना घट रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ पे ये घट रहा है। तो ये पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, तो यहाँ पे 76 से सीधा 58 59 60 और 18 यहाँ पे आ जाएगा 18। तो अब यहाँ पे 18 घट गया और ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। सबसे अधिकतम घटत कब हो रहा दोस्तों, 18, ये कौन से वर्ष हो रहा, 2018-19 में, 2018-19 में सबसे बड़ा घटत हो रहा। 89 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 89 के बाद 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितना था ये हमको बात बतानी है। 2014-15 का अगर हम उत्पादन देखें तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन यहाँ पे हमारा कितना है दोस्तों, हमारा 51, कितना दोस्तों, हमने 51 रख लिया। फिर कहा गया है 2019-20 के उत्पादन का था, 2019-20 तो 19-20 दोस्तों हमारा ये है, इसका था ये, इसका कितना है ये दोस्तों हमको बताना है। यहाँ पे बटे हम कितना है ये 68 कर दिया। अब 17 चौक 68, 17 51, फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 हमारा ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 90 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे फिर हमको कहा गया है क्वेश्चन में कि 91 नंबर से लेकर के 95 नंबर तक के क्वेश्चनों को दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है, 5 सेल्समैन है, देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये 5 सेल्समैन है और ये जो कमीशन कमाते हैं 2015-16-17-18-19-20 में तक में ये कमीशन कमाते हैं 6 सालों में। तो अब यहाँ पे हमको बताना है, कहा है कि किस वर्ष में, क्वेश्चन में 91 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे कहा गया किस वर्ष में सेल्समैन सी हमारा ये यहाँ पे है दोस्तों, कहा गया किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्शाता है। तो 2000 ध्यान से समझना दोस्तों, कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। तो 2016 अगर हम सी ले लेते हैं वर्ष, सेल्समैन सी को देखने के लिए बोला है, 2015 में ये 26,200 रुपये कमाता है, फिर आगे जा करके ये 27,800 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखें अगर हम 26-27 यानी कि 1,600 आ जाएगा, पहले हो गया 1,600 यानी कि 1,600 हो गया, फिर अब यहाँ 2700 से 2800 अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28,500 आ जाएगा, अगले ईयर में 500 हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे 28,129 और 29 यहाँ पे 900 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 2900 और यहाँ पे 300 का आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600 का आ जाएगा। तो इसने पूछा है अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, कौन से वर्ष में वृद्धि दर्शाता है दोस्तों, ये वृद्धि दर्शाता है दोस्तों हमको 2016 में वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि 15 में 26,200 कमाता है और 2016 में 27,800 कमाता है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना कमाया, 1600 रुपये इसने कमा लिया। तो यानी कि 2016 ऑप्शन हमारा 91 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 के बाद दोस्तों 92 नंबर में आ जाएंगे। और 92 नंबर क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन, 2018 में बी का कमीशन कितना है, 28,000 है। फिर कहा गया है 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना है। अब पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष का कुल कमीशन दोस्तों यहां पे देख लीजिए कितना है, ये दिया गया है 146,960 दिया गया। कह रहा कुल कमीशन लगभग कितना प्रतिशत है ये बताया गया क्वेश्चन में। तो यहां से अगर हम देखें 92 नंबर क्वेश्चन को, तो यहां पे टोटल कितना है इसका, ये है पहले बी ने 2018 में 28,000 रुपया इसने क्या था, इसका कमीशन था। और टोटल कमीशन इसमें कितना है, 146,960 प्रतिशत बताना है, इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे इस पूरे को हमारे बन जाएगा 28 और यहाँ पे 4 टाइम जीरो बन गया अपान का, यहाँ पे प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों अब यहाँ पे 146,960 इसका जब हम इसमें भाग दे देंगे तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 19.05 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 के बाद दोस्तों 93 नंबर, और 93 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे 93 में नंबर क्वेश्चन में कहा किस सेल्समैन का 2018, यहाँ पे 2018 का कमीशन ये सब देखेंगे, कौन से सेल्समैन का ये सब देखेंगे, और उसके बाद 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। दोस्तों देख लीजिएगा उच्चतम वृद्धि दर्शाता है ये 27,350 से उछल करके कितना पाया, 29,800। तो 27,2 कितना हो गया 29, तो 2000 और यहाँ पे 350 रुपये में और हम कर देंगे कम, तो 2450 हो गया। यहाँ पे डिफरेंट कितना आ गया, 2450 का आ गया इसमें दोस्तों। फिर अगर हम इसी में देखें, अब बी सेल्समैन को देखें, यहाँ से यहाँ तक में देखें, हम ये यहाँ से यहाँ तक में देखें तो 26,850 से 28,000, तो 26 से दोस्तों हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं देखो 2450 से कम आ जाएगा, क्योंकि 26,228, अब 2000 से हम 850 और कम कर देंगे तो 1150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा बी वाले का आ जाएगा 1150 आ जाएगा, और ए वाले का हमारा कितना आया है, 2450 आया है। अब हम देखेंगे 26,200 से लेकर के 29,100, तो 26,329 तो ये आ जाएगा 3,100 आ जाएगा, यानी कि 3,100 बन जाएगा। फिर यहाँ 27,850 से 3,060 तक जाएगा, 28,000 मान लेते हैं, 28,29,30 और यहाँ पे अब दोस्तों 28 हो गया, 28,29,30 और 30 के बाद दोस्तों 2, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी हमारा डी वाला भी समथिंग 2000 प्लस रहेगा, ठीक है। अब इसमें 28,640 से हम 30,000 तक जाएंगे तो ये 29,30,700 तो 1300 समथिंग ये आ जाएगा हमारा, 1360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डी के बाद ई में, 1360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1360 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो उच्चतम वृद्धि कौन दर्शाता है, ए दर्शाता है। तो यहाँ पे 93 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। अच्छा दोस्तों
ए क्यों राइट होगा? आप देखें ध्यान से, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग गलती कर रहे हैं, गलती इस बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ए वाला 2450 बढ़ता है लेकिन सी वाला 3100 सबसे ज्यादा बढ़ता है ना, सी वाला 3100, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी कि 93 का डी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे उच्चतम वृद्धि कौन होगा? सी वाला वृद्धि होगा 3100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 के बाद 94। दोस्तों यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो अगर हम ए सेल्समैन द्वारा देखते हैं, ए का सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम 27, 28, 25, 24 हमारा सबसे न्यूनतम हो जाएगा और सबसे हाईएस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 29,800। तो 29,800 माइनस हम कितना कर देंगे, 24,600, 00002 और यहाँ पे 9 से 4 घटाएंगे 5, 5,200 आ गया। अब ऐसे ही बी सेल्समैन का देखेंगे, बी में सबसे न्यूनतम दोस्तों कौन है, देख लीजिएगा 28,427, 26,850। कौन न्यूनतम है दोस्तों? 26,850। तो न्यूनतम हमने लिख दिया 26,850। अब हाईएस्ट कौन है दोस्तों बी में? 29। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2900, 26,850। तो यहाँ पे 29 ये हाईएस्ट हो गया। अब घटा देंगे इसको तो दोस्तों यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाएगा, 0, 5 और इधर बचा हमारा 9, 9 से 8, 1, 8 से 6, 2, 2150 आ गया। ऐसे ही दोस्तों हम सी का देखेंगे, जब सी का देखेंगे तो सी का न्यूनतम कौन हो जाएगा, 26, 27, 28, 29, 29, 30। तो ये 26,200 है और ये सबसे न्यूनतम हमारा 26,200 और सबसे हाईएस्ट हमारा 3। तो 26,430 आया, तो 4,000 में 200 रुपया और हम कम कर देंगे तो 3,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,800 आ जाएगा सी का। ऐसे ही हम डी का निकालेंगे। अब डी का देख लीजिएगा, डी 1000 में न्यूनतम कौन है दोस्तों? डी में न्यूनतम हमारा आएगा 27,850। हाईएस्ट कौन जाएगा? हाईएस्ट जाएगा 32। तो ये 27 इसको 28 मान लीजिए, ठीक है, 150 हमने और इसको बढ़ा दिया, 28,432 यानी 4,150 तुम्हारा ये इसका हो गया, घटाने पे आ जाएगा। और फिर अगर हम ई का देखें, ई का सबसे हाईएस्ट और सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम हमारा 28,640 और हाईएस्ट हमारा 30,000। तो 30,000 में 28 इसको 29 मान लीजिएगा, 30 1,000 और 1,060 और 1,360 आ जाएगा, 1,360 आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है कि न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम हो। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 5,200 आया सबसे ए वाले में, तो ए वाला सबसे न्यूनतम किस में था दोस्तों? देखिए 24,600 हमारा 2019 में था, तो 2019 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 94 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर, और 95 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, ठीक है, सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? अब ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत इसने पूछा है, तो मान लेते हैं 2019 में डी द्वारा 29,800 इसने कमीशन प्राप्त किया और इसी में ए वाले ने कितना प्राप्त किया दोस्तों, 24,600 प्राप्त किया। 2019 में ए वाले ने कितना प्राप्त किया, 24,600। तो 24,600 कहा है कि वर्ष 2019 सेल्समैन डी ये हो गया, अर्जित कमीशन द्वारा, ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है, तो ये ए द्वारा अर्जित कमीशन का मान लेते हैं 100% है। तो हमको यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 29,800 बटे 24,600
अब हमको परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो हमारे खलास हो जाएंगे। 246 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 121 और 13, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 95 का डी के साथ इक्वेशन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा नया क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कहा गया 96 से 100 नंबर तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा गया विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, औसत महत्तम है, कह रहा किस महीने में खाते खुले की औसत महत्तम है। ठीक है, तो अगर हम औसत देखें तो मई महीने का अगर देख लेते हैं दोस्तों औसत, तो यहाँ पे 25 देख लीजिए, जोड़ लेते हैं 5 2 7 7 5 12 की 2, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, और 2 2 4 3 7 7 3 10 1 11, तो टोटल योग आ गए यहाँ पे 112। इसका जोड़ लेते हैं दोस्तों 8 8 16 16 5 हो जाएगा हमारे 21 21 2 23 की 3, हासिल लग गया हमारा 2 2 2 4 1 5 5 4 9 9 4 13, 133 आ गया। इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, अब सबको ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे, इसको जोड़ते हैं 5 2 7 7 5 12 की 2, हासिल लग गया हमारा 1 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16, यहाँ पे आ गया 162। अब इसको जोड़ते हैं 5 5 10 की हो जाएगा 0 6 3 9 3 12 12 5 17 1 18, और इसको जोड़ते हैं 5 5 10 10 की 0, हासिल लग गया 1 5 4 9 9 4 13 13 13 6 19 19 1 20, तो ये तो सबका योग आ गया। अब हम मई महीने का औसत निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 112 बटे टोटल कितने लोग हैं, 2 2 4 लोग हैं। ये ना कहा गया निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, किस महीने में खुले खातों से औसत महत्तम है, 4 लोग हैं, 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 4 2 8 3 तो 4 8 32, तो पहले वाले का आ गया हमारा 28 मई के बाद। अब हम जून माह का देखेंगे, जून में आया हमारा 133 बटे हम कर देंगे 4, तो 4 3 12 फिर 13 हो गया, फिर 4 3 12 फिर 1 4 2 8 4 5 20, इसका एवरेज हमारा जून महीने का ये आ गया। अब जून के बाद दोस्तों हम क्या निकालेंगे, जून के बाद जुलाई का निकालेंगे। अब जुलाई का देख लीजिए दोस्तों कितना आया है, 162 अपान का 4 कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आ गया हमारा 4 4 16 4 0 0 4 5 20, 40.5 आ गया। जुलाई के बाद दोस्तों अगर हम देखें अगस्त महीने का, तो अगस्त का भी ऐसे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा 180 बटे 4, तो 4 4 16 4 5 20, 45 आ गया। अगस्त के बाद अब हम सितंबर का देखें, सितंबर दोस्तों निकालेंगे तो सितंबर का आया हमारा 200 बटे 4, तो 4 5 20 10, यानी कि 50। तो क्या पूछा गया है, संख्या की औसत महत्तम है, तो महत्तम कौन हो जाएगा, सितंबर माह हमें सबसे ज्यादा महत्तम आ रहा है, यानी कि औसत और एवरेज आ रहा है सितंबर, तो 96 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या, पीछे हम देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन करके, ये अगस्त में खुले खातों की संख्या हमारी 180 थी और जून में खुले खातों की संख्या 133 थी, यही बात है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे 180 थी अगस्त महीने में, जून महीने में 133 थी, तो ये अब हमको जून में खुले खातों की संख्या का क्या निकालना है दोस्तों, परसेंटेज वैल्यू निकालना है। अपान का कितना कर देंगे, 133 × 100, कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा कहा है, इसलिए हम परसेंटेज निकाल रहे हैं दोस्तों, इससे घटाएंगे तो 33 में अगर हम 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो 40 हो जाएगा, 40 में 40 ही जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, तो 40 7 47, और ये ऊपर 00 बन जाएंगे और ये 133। तो अब 133 से जब 4700 में हम भाग दे देंगे तो फाइनली आ जाएगा 35.3 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो रहा है, बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 97 के बाद दोस्तों हम 98 नंबर देखेंगे, और 98 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है,
कहा गया है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, मई से सितंबर एंजल। तो अब देख लीजिए दोस्तों, एंजल हमारा ये है, मई से सितंबर इनको ऐड करना है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 8, 28। तो 28 हमने ये रख लिया, कैरी हो गया हमारा 2, 5, 2, 7, 7, 13, 13, 19, 13, 3, 16 दोस्तों, 13, 3, 16, 16, 2 हो जाएगा हमारा 18, 18, 2 हो जाएगा 20। तो ये 208 हो गया। अब कहा गया जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, तो ये तो हो गया हमारा एंजल, ये कौन था हमारा दोस्तों, एंजल था, हमने ये एंजल लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जेरोधा रखेंगे, जेरोधा। अब जब जेरोधा का रखेंगे तो जेरोधा हमारा कहाँ है, ये इनको सबको अगर हम ऐड कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा, 40, 30, 70, 70, 50 हमारा हो जाएगा 120, 120, 50 इसको जोड़ेंगे क्योंकि 5 हमने छोड़ा था, 120, 170 हो जाएगा, 170 में 200 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 200। अब ये 2 से अगर हम इसको कट कर दें तो 2 एकन्नम 2, 2 0 0, 2 चौको 8, नीचे हमारा आ गया 100। तो अब हम इसको कर सकते हैं, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा राइट आंसर आया 1.04, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 98 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने इनको ऐड किया, यहाँ पे इनको ऐड किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो अभी दोस्तों अगर हम देखें तो ये पूछा गया था एंजल, तो अगर हम एंजल का देखें, एंजल का भी हमने ऐड किया था दोस्तों, कितना आया था, 208 आया था। ऐसे ही दोस्तों हम शेर खान का अगर ऐड करें, इसने पूछा क्या है कि इस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो अब अगर हम शेर खान का ऐड करें दोस्तों, तो शेर खान का जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 147 आ जाएगा। शेर खान के बाद हमारे कौन है यहाँ पे, जेरोधा हैं, तो यहाँ पे हमने जेरोधा लिख दिया। अब जेरोधा को अगर हम सबको काउंट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हम पीछे काउंट कर चुके हैं, कितना आया था, 200 आया था। जेरोधा के बाद अगर दोस्तों हमारा ट्रेडबुल है, क्या है दोस्तों, ट्रेड बुल। अब ट्रेड बुल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, 232 आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे अब इनमें से औसत संख्या महत्तम होगी, यानी कि इनका जब औसत निकालेंगे तो औसत संख्या जो आएगी कौन सा सबसे बड़ा आएगा, यानी कौन से महत्तम का मतलब बड़ा आएगा वही हमको बताना है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दोस्तों उसी का महत्तम भी बड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू 232 सबसे बड़ी है, तो इसी का महत्तम भी बड़ा आएगा। तो ट्रेड बुल हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 99 का देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूँ कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या राय हो तो भी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये पिछले वर्ष 2021 का यूपी ट्रिपल एससी पिट का जो एग्जाम हुआ था वही पेपर यहाँ पे ऑफिशियली पेपर है, सीरीज ए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। ए से एच तक सीरीज हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, सारे क्वेश्चन वही हैं लेकिन क्वेश्चनों का क्रम अदल बदल दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं सारे ए से एच तक यानी कि आठों सीरीज के पेपर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल कर दूंगा, वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली पेपर सारे सीरीज के। और या फिर दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या डाउट हो तो आप मुझे अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का और इस पेपर का,
यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो ट्रेडबुल का दोस्तों देख लीजिए कि अभी हम कितना निकाले थे, पीछे में बैक करके दिखाता हूँ, ट्रेडबुल का आया था 232 और भी क्या पूछा गया है ट्रेडबुल के अलावा, शेरखान का कितना आया था दोस्तों 147। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ट्रेडबुल कहा गया है और यहाँ पे ट्रेडबुल के खुले खाते की संख्या ट्रेडबुल का कितना था दोस्तों 232 था। और फिर उसके बाद अगर इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, ये किसका है, ये हमारा ट्रेडबुल का है ठीक है दोस्तों, बटे हम कर देंगे यहाँ पे 4। अब दोस्तों ट्रेडबुल अच्छा खुले खातों संख्या तो 5 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 क्यों करेंगे आपको पता हो गया होगा क्योंकि मंथ का हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, तो 46.4 आया। अब उसके बाद कहा है औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या, अब यहाँ पे हम निकालेंगे शेरखान, तो शेरखान का कितना था दोस्तों बैक करके एक बार हम देख लेते हैं, 147 होना चाहिए, शेरखान का 147 है, बिल्कुल सही था दोस्तों, यानी कि शेरखान का 147 बटे हम कितना कर देंगे 5, तो 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 5 चौक 20। अब दोस्तों औसत लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था, ये तो शेर खान का 29.4 आया और उनका कितना आया हमारे ट्रेडबुल साहब का आया 46.4 आया, कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था हमको ये बात बतानी है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 46.4 से माइनस 29.4 अपान का 29.4 × 100। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 46 ये 29, 0.4 जीरो हो गए, 29 के बाद हो जाएगा 30, 40 17 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 17 और ऊपर डबल जीरो हो जाएंगे अपान का 29.4, ये पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो और बढ़ाया, 294 से जब हम 17,000 को कट करेंगे तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 57.82 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 100 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।